ये आ गए हैं गाइस हम लोग फिर से टॉप 5 यूजु एंड्रॉयड गेम्स लेके, जो कि सारे के सारे नए होने वाले हैं। और इन सभी गेम में गाइस खास बात ये है कि ये प्ले स्टेशन 5 के हैं, प्ले स्टेशन 4 के हैं और स्विच में तो हैं ही ऑलरेडी, तभी तो हम लोग खेल पाएंगे। वाया यूजु हो गया, वाया सुयु हो गया, सिराउची हो गया। यहाँ पे इस सब गेम का कोई भी पोर्ट ऑफिशियली नहीं आया है ऑन एंड्रॉयड। इस सब गेम को हम लोग तभी खेल सकते हैं जब हम लोग स्विच एम्यूलेशन यूज़ करेंगे। बाकी गाइज आ गया नंबर 1 में ये टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, और ये गेम चाहिए तो हम लोग अपने एंड्रॉयड में खेल सकते हैं ऑन कोई भी एम्यूलेटर हो गया। लेकिन एक चीज़ गाइज याद रखना, ये जो गेम है रैथ ऑफ द म्यूटेंट्स, सारे के सारे आज के गेम हम लोग के R19 ड्राइवर के ऊपर प्लेड है, टेस्टेड है। तो R19 लेना होगा तो भाई समझ ही गया होगा। बाकी ये जो गेम है हम लोग को फाइटिंग टाइप का गेम मिल जाएगा। गेम का मिनिमम डिवाइस रिक्वायरमेंट यहाँ पे अगर हम लोग पे स्नैपड्रैगन 680 भी है, स्नैपड्रैगन 720 है, 720G आ गया, कोई भी प्रोसेसर आ गया स्नैपड्रैगन के सारे यहाँ पे हम लोग के सपोर्टेड रहने वाले हैं। गेम 30 FPS का होने वाला है। गेम हम लोग को कम्प्लीटली फाइटिंग टाइप होने वाला है, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। और ये अभी एक महीना हो गया, दो महीना हो गया ये रिलीज़ होते होते, ये गेम अभी अभी आया ऑन कंसोल्स में। तो अगर चाहिए तो इसको हम लोग एंड्रॉयड में खेल सकते हैं विद द मिनिमम डिवाइस रिक्वायरमेंट ऑफ, मैंने लोग को बता दिया मिनिमम डिवाइस रिक्वायरमेंट। अगर हम लोग बोले रैम के लिए तो रैम के लिए यहाँ पे होगा गाइज 4 से 6 GB रैम हम लोग ले लेंगे यहाँ पे वर्क करके। बाकी नंबर 2nd में आ गया गाइज, हम लोग बोल सकते हैं ये साइबर पंक का कॉपी है, पूरा फोटो कॉपी कर रखा है। लेकिन जो गेम है हम लोग का पूरा लाइट वेट मिल जाएगा, साइबर पोली RPG डार्क सिटी। ये गेम हम लोग को पूरा का पूरा ओपन वर्ल्ड देखने मिल जाएगा। यहाँ पे अगर चाहिए तो हम लोग सिटी में फ्री रोमिंग कर सकते हैं। जो हम लोग को मिशंस दिए गए हैं, हम लोग मिशंस लेके अपने जो भी हैं, पहला मिशन यहाँ पे होता है कि एक वेपन का जो स्टोर है उसको फाइंड आउट करो, उसके बाद फिर वहाँ से वेपन लो, उसके बाद हम लोग जो भी है मिशंस कंप्लीट करेंगे। तो मतलब कि सेम एज GTA हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जो गेम है हम लोग का ये छोटा, लगभग हम लोग को 600 से 800 MB के बीच में ये वाला गेम मिल जाएगा। खासतर इस वाले एम्यूलेटर का ये बात है कि ये हम लोग के यूजु एंड्रॉयड हो गया, बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। फिलहाल के लिए नया गेम भी है, उसको ट्राई नहीं किया तो कर लेना। इसका भी डिवाइस रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम लोग को स्नैपड्रैगन 680 हो गया, कोई भी प्रोसेसर ले लेना स्नैपड्रैगन का, सारे के सारे हम लोग को ये वाले गेम सपोर्टेड होने वाले। बाकी गेम का जो ग्राफिक है यहाँ पे ऐसे थोड़ा बहुत बोल सकते हैं हम लोग इसको, फ्यूचरिस्टिक टाइप का गेम है ये। आ गया इसके बाद गाइज हम लोग का नेक्स्ट गेम, और ये नेक्स्ट गेम होने वाला है कॉन्ट्रा ऑपरेशन। और ये जो गेम है गाइस, ये अगर हमने खेला होगा SNES में हो गया, NES में हो गया, तो वहाँ पे आते थे ना उस टाइम क्लासिक में एकदम, भाई इतने पहले आते थे 2D वर्जन में। अभी कुछ दिन पहले ही ये रिलीज़ हुआ है यहाँ पे, प्ले स्टेशन 5 हो गया, प्ले स्टेशन 4 हो गया, स्विच हो गया, इन सब कंसोल्स में। बस एक रास्ता यही कि एंड्रॉयड में अगर चलाना है तो यहीं पे ये गेम प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी ग्लिच हो गया, एनी एरर। ये वाला गेम मैंने रन किया, यहाँ पे एक भी क्रैशेज नहीं हुआ है। बाकी गाइस इस वाले गेम में हम लोग ने यूज़ किया है टर्निप ड्राइवर R19, गेम के अंदर कोई भी क्रैश नहीं हुआ है। गेम के अंदर हम लोग को जो गेम है एंगल 2D है, लेकिन जो गेम है हम लोग ऐसे बोल सकते हैं गेम 3D टाइप का है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे कैमरा एंगल चेंज होता है, जब बॉस फाइट होता है ना, तब हम लोग ये वाला गेम देखने लायक है। थोड़ा ज़्यादा एक्शन एडवेंचर, मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये अब आया ना गेम में मज़ा। तो मतलब खेला होगा अगर किसी ने तो क्लासिक में, अगर याद होगा तो उसी टाइप का ये गेम हम लोग को पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी कर रखा है। 2D से लेके हम लोग को जो 3D है वहाँ पे हम लोग को ये वाला गेम देखने मिल जाएगा। पहले 2D में अवेलेबल था तो हम लोग ने सबने खेला होगा, अभी हम लोग को ये वाला गेम 3D में अवेलेबल हो गया है कुछ ही महीने पहले, तो इस वाले गेम को ट्राई नहीं किया तो ट्राई। इसके बाद आ गया गाइज हम लोग को कैप्टन सुबासा राइज ऑफ द चैम्पियंस। ये गेम ना गाइज हम लोग बोल सकते हैं ये सॉकर टाइप का गेम है, फीफा ले सकते हो, फीफा 23 भी वैसे ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि भाई वो नया नहीं था तो हम लोग को आज था कि भाई ओनली न्यू गेम होना चाहिए, टॉप 5 होने चाहिए, उनमें से हम लोग लेके आए हैं। वैसे फीफा 23 भी हम लोग प्लेबल है ऑन मिनिमम डिवाइस रिक्वायरमेंट ऑफ स्नैपड्रैगन 680 में भी चल जाएगा वो। फिलहाल के लिए गाइस इसका बात करते हैं, ये हम लोग का जो गेम है ऐसा बोल सकते हैं, शाओलिन सॉकर पिक्चर देखा, मूवी देखा, उसमें क्या होता है उस वाली मूवी में कि फुटबॉल को जब किक करता है ना तो भाई इतने सारे इफेक्ट्स उड़ जाते हैं, उसके साथ साथ पूरा का मतलब पूरा जो स्टेडियम है ना पूरा धुआंधार बना देता है। वैसे ही भाई ये हम लोग का जो गेम है वैसा होने वाला है, स्टाइल टाइप का, सॉकर टाइप का हम लोग का गेम है। अगर हम में से कोई ऐसा बंदा है जो सॉकर लवर है, फीफा लवर है, तो भाई ये वाला गेम एक बार ट्राई कर लेना। गेम हम लोग को ऐसा होता है ना, ऐसे गेम्स हम लोग को थोड़े हार्ड देखने मिल जाते हैं, लेकिन भाई ये मेरे को बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा, क्योंकि हम लोग को शुरुआत में एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ट्यूटोरियल देखने मिल जाएगा। एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पे जो फुटबॉल है उसको ऐसे किक कर सकते हैं, और उसके बाद अगर सामने ओपोनेंट आ गया
तो अपोनेंट से हम लोग डॉच भी कर सकते हैं। ये आगे हम लोग का ZL, अपोनेंट से हम लोग डॉच कर लेंगे, बाद में R वाला बटन दबाएंगे तो हम लोग का ये जो फुटबॉल है अपोनेंट से ऐसे कुछ हम लोग छीन सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने प्लेयर को, जो नेक्स्ट प्लेयर है, उसको बी वाले बटन से दे भी सकते हैं फुटबॉल, ताकि वो हिट कर पाए नेट में, इससे हम लोग का गोल हो जाएगा। ये आ गया गाइस नेक्स्ट गेम गिल्ट, और ये गेम हम लोग बोल सकते हैं प्लेस्टेशन 4 से आया, प्लेस्टेशन 5 से आया, कुछ दिन पहले ये भी गेम रिलीज हुआ है। चाहिए तो स्विच में हम लोग ये खेल सकते हैं बाय यूजिंग अपना जो भी है हम लोग का मिलिट्री। अभी गाइस ये जो गेम है, इस वाले गेम में ऐसा स्टोरी है, हम लोग एक लड़की है, कजिन इसकी सिस्टर होती है, वो खो गई है, तो हम लोग को उसको फाइंड आउट करना है गेम के अंदर। हम लोग को ऐसा बोल सकते हैं क्रीपी टाइप का इस वाले गेम में माहौल है। हम लोग ने खेला होगा, एक गेम आता है लिटिल नाइटमेयर, उसका हम लोग बोल सकते हैं 3D वर्जन जो गेम है हम लोग का। इसका ग्राफिक्स हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑसम टाइप का देखने मिल जाएगा। मिशंस के अंदर हम लोग जाके जो क्लू है वो ढूंढने पड़ते हैं, उसके बाद जो हम लोग को जो इसकी सिस्टर है उसको खोजनी पड़ेगी गेम के अंदर कि भाई है तो है कहाँ। क्लू ढूंढते तो मतलब कि ये जो गेम है हम लोग RPG टाइप का भी बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन भाई कैमरा एंगल जिसमें 3D हो गया भाई उसको हम लोग ज़्यादा फुल RPG टाइप नहीं बोलेंगे, वरना बंदे बोलेंगे भाई RPG है यार, इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। ना ना ऐसा बात नहीं है गाइस, गेम हम लोग का बढ़िया देखने मिल जाएगा। गेम का जो ग्राफिक्स है यहाँ पे पूरा हम लोग को कंसोल लेवल का फीलिंग देगा। होप जो वीडियो गाइस हम लोग को आज का पसंद आया। गाइस ऐसी कूल वीडियोस अपने चैनल में लाते रहता हूँ गाइस, प्लीज़ ऐसे हार्ड वर्क को सलाम ठोको और प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।